दोस्तों जी एस टी आर वन को लेकर के कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट पोर्टल पर किए गए हैं जो कि आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ तो पोर्टल पर जो अपडेट आए हैं वो कुछ इस तरह से है जो स्टेटमेंट हो आउटवर सप्लाई की जो कि आप फॉर्म जी एस टी आर वन यूज़ करते हैं जिसमें अपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं टू बी फर्निश्ड बाय ऑल नॉर्मल टैक्स पेयर ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस यानी कि आप मंथली भी फाइल करते हैं और क्वार्टरली भी जी एस टी आर वन फाइल करते हैं अगर आपने क्यू आर एम पी स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है क्वार्टरली जी एस वन फाइलर्स को ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शनल एक फैसिलिटी दी गई है आई फैसिलिटी फॉर रिपोर्टिंग आउट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि बी टू बी सप्लाई को आप रिपोर्ट कर सकते हैं आई एफ एफ फैसिलिटी को यूज़ करके इन द फर्स्ट टू मंथ ऑफ क्वार्टर कंटिन्यूअस एनहेंसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की गई हैं जी एस टी आर वन में और आई एफ एफ में फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनहेंस द परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्स एक्सपीरियंस ऑफ जी एस टी आर वन एंड आई एफ एफ विच हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन समी जनरेशन प्रोसेस को इम्प्रूव किया गया है क्विकट रिस्पॉन्स टाइम एंड एनहेंस्ड यूजर एक्सपीरियंस फॉर द टेक्सपीयर प्रीवियस फेज ऑफ जी एस टी आर वन आई एफ एफ एनहेंसमेंट वॉज डिप्लॉयड ऑन जी एस टी पोर्टल इन नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो प्रीवियसली यानी कि पहले कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई थी इन दैट फेज न्यू फीचर्स उसमें क्या नए फीचर डाले गए थे रिवेंट आपके डैश बोर्ड को रिवेंट किया गया था एनहेंस किया गया था बी टू बी टेबल्स को एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेबल एंड टाइटल डॉक्यूमेंट काउंट वाज प्रोवाइडेड यानी कि जो आप अपना डैशबोर्ड देख ही रहे हैं उस पर जो इंप्रूवमेंट्स हुई हैं इन कंटिन्यूएशन टू द सेम द नेक्स्ट फेज जो है जी एस टी आर वन और आई एफ एफ का वो अब आपको पोर्टल पर अवेलेबल करवा दिया गया है क्या नया बदलाव किया गया है इसमें जी एस टी आर वन एंड आई एफ एफ आप रिव्यू कर सकते हैं रिटर्न डैशबोर्ड पर जाते हैं आप वहां से अपना रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करते हैं जी एस टी आर वन आपकी जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाई गई है जी एस थ्री भी आपके लिए अवेलेबल होती है यानी कि जो जी एस टी रिटर्न एप्लीकेबल है वो आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं अब नए चेंजेस जो पोर्टल पर लागू हो गए हैं रिमूवल ऑफ सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग यानी कि फाइलिंग से पहले जो आपको सबमिट करना होता था जी एस और उस सबमिट में कई बार कुछ दिक्कत भी आती थी थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता था आपका तो वो चीज़ हटा दी गई है द प्रेजेंट टू स्टेप्स ऑफ फाइलिंग इन्वॉल्विंग

एंड इट विल प्रोवाइड टेक्सपीयर्स विद द फ्लेक्सीबिलिटी टू एड और मोटिफाइड रिकॉर्ड टिल द फाइलिंग इज कम्प्लीटेड बाई प्रेसिंग द फाइल स्टेटमेंट बटन तो जब तक कि आप उस फाइल स्टेटमेंट बटन को क्लिक नहीं कर देते तब तक आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं कोई भी नया इन्वॉइस ऐड कर सकते हैं या किसी इनवॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं तो सिंगल बटन आपको यहाँ पे दे दिया गया है अब वो दो जो बटन्स थे उनकी झंझट यहाँ से हटा दिया गया है सेकेंड कॉन्सोलिडेटेड समरी टेक्सपेयर विल नाउ बी शोन अ टेबल वाइज कॉन्सोलीटेड समरी बिफोर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ जी एस टी आर वन एंड आई एफ एफ अब आपको एक टेबल वाइज समरी जो है दिखाई देगी दिस समरी विल हैव डिटेल्ड एंड टेबल वाइज समरी ऑफ रिकॉर्ड एडिट बाई टेक्सपेयर ये जो आपकी समरी रहेगी इसमें क्या रहेगा कि आपको टेबल वाइज सभी रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे दिस विल प्रोवाइड कंप्लीट ओवर व्यू ऑफ रिकॉर्ड एडिट बिफोर एक्चुअल फाइलिंग रिसिपियेंट वाइज समरी भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है द कॉन्सोलीटेड समरी पेज विल ऑल्सो प्रोवाइड रिसिपियन वाइड समरी कंटेन्ड अ टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल टैक्स इन्वॉल्व इन सच सप्लाई फॉर ईच रिसिपियट तो पूरी समरी अब आपको वहाँ पे, पर पोर्टल पर डैशबोर्ड आपकी फाइलिंग के दौरान ही आपको वहाँ पर मिल जाएगी कौन कौन सी टेबल्स की समरी होगी टेबल फोर की बी टू बी सप्लाई फोर बी सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एसीजर्ट सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स तो टेबल वाइज समरी आप ये सारी देख पाएंगे इट वाज प्रीवियसली इंटीमेटेड पहले आपको ये बताया गया था कि इस तरह की एनहेंसमेंट जो है वो पोर्टल पर जल्दी ही अवेलेबल करवा दी जाएंगी इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट कि ये जो चेंजेस हैं वो अब पोर्टल पर इंप्लीमेंट हो चुके हैं फॉर डिटेल एडवाइजरी एंड सैंपल स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पे लिंक पे दिए गए हैं तो चलिए हम वो सैम्पल स्क्रीन शॉट देख लेते हैं जो सैंपल हमें अवेलेबल करवाए गए हैं इन चेंजेस को लेकर के जिनमें से फर्स्ट सैंपल है कि फ़ाइल स्टेटमेंट ये देखिए डाउनलोड समरी के बाद आपको फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन अब पोर्टल पर दिखाई देगा तो दोनों ही बटन आपके हटा दिए गए हैं अब आपको केवल फाइल स्टेटमेंट का बटन मिलेगा यहाँ पे जनरेट समरी के बाद रिमूवल ऑफ सबमिट बटन इन जी एस टी आर वन एंड आई एफ एफ में रिमूव कर दिया गया है जी एस टी आर वन एंड आई एफ एफ शल नाउ फ्रीज अपॉन क्लिकिंग फाइल स्टेटमेंट बटन जब आप फाइल स्टेटमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जी एस टी आर वन फ्रीज़ हो जाएगी यानी कि उस बटन पर क्लिक करने से पहले आप कोई भी इनवॉइस ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं एनी डॉक्यूमेंट इफ़ इट इज़ एडिड आफ्टर समरी जनरेशन द समरी विल हैव टू बी जनरेटेड अगेन अगर समरी जनरेट करने के बाद आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड किया है तो समरी को आपको दोबारा जनरेट करना होगा प्रोसीड टू फाइल एंड समरी बटन विल चेंज टू जनरेट समरी बटन एंड टेक्सपेयर जो है समरी जनरेट करेंगे इस बटन को यूज़ करके बिफोर फाइलिंग आपको करनी पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट इन्होंने आपको बताया है कि जनरेट समरी बटन का जो ऑप्शन है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा वो भी आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे इन्होंने पूरे जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो शेयर किए हुए हैं और जैसे ही आपकी समरी जनरेट होगी आपको प्रोसीड टू फाइल एंड समरी का जो बटन है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा कॉन्सोलीडेटेड आपको समरी इस तरीके से दिखाई देगी वो भी आपको बता दिया गया है टेबल वाइज समरी अब आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी तो ये आपकी जो समरी है इसको फोर ए के पास आपको समरी दिखाई गई है रिसिपियन वाइज समरी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी टेबल्स के पास तो इन्हें आप एक्सपेंड कर सकते हैं और सारा डिटेल्स जो है वो वन बाय वन चेक यहाँ से कर सकते हैं